वेलकम बैक टू द लिविंग कॉलेज। सो आज हम आपको बताएंगे कि आप फैंटेल पिजन्स अगर रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए या आपको क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास होना चाहिए जिससे कि आप फैंटेल पिजन्स को अच्छे से रख सकें। सो ओवर हेयर एट द लिविंग कॉलेज वी हैव 5 फैंटेल्स, जो एक पेयर हम लोग का है विच इज़ वाइट इंडियन फैंटेल, एंड देन वी हैव अ ब्लैक चॉकलेट पेयर ऑफ अमेरिकन फैंटेल्स and a black tail mark of Indian fantail. So we have in total 5 fantails, and then we have these 4 normal pigeons. One is Shirazi crossed and the other ones are the normal pigeons that we are having just for incubating the eggs of these birds. Because what they do, jab ye eggs dete hain to inke eggs dene mein to koi problem nahi hai, they give eggs is aasani se, but while incubating the eggs, kyunki inki tail itni badi hoti hai and as well as mating ke time pe bhi thoda sa problem hota hai, सो दे आर्ट एबल टू इंक्यूबेट देयर एग्स प्रॉपरली। प्लस इनका जो एग इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, मतलब दे वोंट टेक केयर ऑफ देयर किड्स एज गुड एज द अदर बर्ड्स। जो नॉर्मल पिजन्स होते हैं वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, ये नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज उनको मूवमेंट में दिक्कत होता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी बिग टेल एंड एज वेल एज फेदर्स ऑन देयर लेग, उनको मूवमेंट में इतना दिक्कत होता है, इसलिए दे आर्ट एबल टू फीड द चिक्स प्रॉपरली और वो उनकी केयर सही से नहीं कर पाते। नॉर्मल पिजन्स ऑन दी अदर हैंड वो बहुत अच्छे से केयर कर लेते हैं, इसलिए आप जब भी फैंटेल अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रख रहे हैं तो आप नॉर्मल पिजन्स रखेंगे, गुड रिजल्ट फॉर योर ब्रीडिंग। सेकेंडली ये खाने में क्या खाते हैं, खाने में वी गिव अ मिक्स डाइट। अभी मैं इनको सोप चले देता हूँ, प्लस वी हैव दिस डाइट, इसमें वी हैव गिवन, इसमें गेहूँ है, धान है, बाजरा है, एंड इसमें देर इज़ सरसों, देर इज़ सम बिट्स ऑफ कॉर्न एज वेल। सो ये सब मिक्स रहता है एंड वी गेट दिस पिजन फूड बनाते हैं ये हम लोग, थोड़ा सा बाजार में भी गेट द पिजन फूड, देन वी मिक्स बाजरा इनटू इट। हम लोग को बाजार से जो पिजन फूड मिलता है उसमें बाजरा वगैरह नहीं होता, सो बिकॉज इट्स विंटर सीजन इसलिए हम लोग इसमें बाजरा भी मिलाते हैं, बिकॉज बाजरा से उनके शरीर में गर्मी आएगी एंड दे विल बी एबल टू विदस्टैंड द कोल्ड विच इज आउट देयर इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो ठंड बर्दाश्त करने के लिए बाजरा दे सकते हैं। प्लस इनको हम लोग चने सोप, प्लस इनको हम लोग सोप चने भी देते हैं, तो ये बहुत अच्छा खाते हैं। सो द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल कीपिंग फैंटेल्स इज दीज आर द नॉर्मल पिजन्स, सो ये छोटे नेस्ट बॉक्सेस नहीं चाहिए, दे विल बी नीडिंग बिग नेस्ट बॉक्सेस बिकॉज इनका टेल उतना बड़ा है, और उतना बड़ा नेस्ट बॉक्स होना चाहिए जिसमें दो पिजन्स आसानी से आ सकें। प्लस दे चिक्स व्हेन दे आर बिट ओल्ड तो वो अपने पेरेंट बॉक्स में जाना पसंद करते हैं, इसलिए द बॉक्स शुड बी दैट बिग जिसमें चार, दो से चार पिजन्स आराम से आ सकें नॉर्मल। सो फॉर मेकिंग द नेस्ट बॉक्सेस फॉर द पिजन आई विल शो यू इन अनदर वीडियो कि आप अपना घर पे कैसे आप नेस्ट बॉक्स बहुत आसानी से बना सकते हैं इन अ वेरी फास्ट एंड क्विक मैनर। आप बहुत जल्दी अपने नेस्ट बॉक्सेस पिजन्स के लिए खुद बना सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ द फ्रूट क्रेट्स, जो फ्रूट के लकड़ी के बॉक्सेस जिसमें फ्रूट्स पैक होके आते हैं, अब वो यूज़ करके यू कैन मेक योर ओन पिजन्स के नेस्ट बॉक्सेस एंड दे विल बी लेइंग एग्स इन देम वेरी सून। सो ये आपको दो चार पांच चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, कि इनका नेस्ट बॉक्स पहले तो बड़ा होना चाहिए, सीड डाइट में कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनक्यूबेट अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप अगर नॉर्मल पिजन्स रखेंगे तो यू विल हैव अ गुड रिजल्ट। देखो ना, इनक्यूबेट देयर एग्स, अगर वो एग्स देंगे वो इनक्यूबेट करेंगे, बट उसमें चांसेस तो थोड़ा सा कम रहता है, वेयर द प्रोबेबिलिटीज़ वहाँ पे कम हो जाती है फॉर इनक्यूबेशन, क्योंकि उनकी टेल की वजह से वो सही से इनक्यूबेट नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो यू कैन गिव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके पास अगर फैंटेल्स हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस इनके साथ, यू कैन गिव मी जस्ट अबाउट योर स्टोरी विद द फैंटेल्स। And if you like this video, please give a thumbs up. And if you're new over here and you like videos of plants, animals, fishes and birds, etc., do subscribe to my channel and turn on the post notification so that you get notified whenever I upload the next video.